नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बड़े अरमानों के साथ विपक्षी दलों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम INDIA रखा गया, जिसके तहत ये तय हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को किसी भी हाल में हराना है। हालांकि जब मामला सीट शेयरिंग का आया तो गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया, या यूं कहें कि गठबंधन टूट ही गया है अब, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना राग अलापना शुरू किया तो पंजाब हरियाणा में केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। बिहार में तो नीतीश कुमार कई कदम आगे निकल गए और अलायंस का साथ छोड़ फिर से एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अभी ये सब मामले से इंडिया गठबंधन उभरा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली कि सब देखते रह गए और राहुल गांधी तो ये कहने लगे कि ये तो चीटिंग है। जी हां, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी मर्जी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को 80 में से सिर्फ 11 सीट ही देंगे। खैर, ये तो बात रही गठबंधन और उसके भीतर चल रही लड़ाई की, लेकिन अखिलेश यादव ने जिन 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया उसमें सबसे ज्यादा नजरें रही गोरखपुर की प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और वहां से मौजूदा सांसद रवि किशन हैं। इसीलिए सबकी नजरें समाजवादी पार्टी की तरफ से गोरखपुर की प्रत्याशी पर जाकर टिक गई, जिसके बाद सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है वो लड़की जिसे अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मोदी, योगी, रवि किशन को हराने का जिम्मा उसे सौंप दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से सांसद के लिए फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा था, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। देखना होगा कि अब की काजल जीत दर्ज कर पाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल चलिए बताते हैं कि कौन है काजल निषाद जिन पर अखिलेश ने खेला है इतना बड़ा दांव। कौन है काजल निषाद? काजल पिछले काफी समय से राजनीति में एक्टिव हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के अलावा टीवी शो लापतागंज में काम किया है। 2021 में काजल ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। कैपियरगंज सीट पर उन्होंने दावेदारी ठोकी लेकिन जीत नहीं सकी। साल 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। काजल निषाद की शादी गोरखपुर के संजय सिंह निषाद से हुई है। संजय निषाद भोजपुरी फिल्मों के निर्माता हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर में पिछले 2.5 दशक से समाजवादी पार्टी निषाद बिरादरी के प्रत्याशियों पर ही दांव लगाती आ रही है, मगर जीत केवल एक बार ही उसे मिल पाई है, वो भी उपचुनाव में। पिछले 7 बार के चुनाव में 6 बार निषाद प्रत्याशी को मौका दिया समाजवादी पार्टी में, और सिर्फ 2009 का एकमात्र ऐसा चुनाव रहा जब सपा ने गैर निषाद बिरादरी से अपना प्रत्याशी चुना और मनोज तिवारी को उन्होंने उस वक्त उम्मीदवार बनाया था, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाकी यहां से बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का जलवा और रुतबा सांसद के तौर पर लगातार बरकरार रहा है। 2017 में योगी के सीएम बनने तक यहां से बीजेपी ही जीतती रही। 2017 के उपचुनाव में बीजेपी को यहां पर हार मिली, लेकिन 2019 में रवि किशन ने फिर से बीजेपी का परचम लहराया। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी बार बार गोरखपुर से निषाद बिरादरी का प्रत्याशी ही क्यों चुनती है, तो उसके पीछे का कारण है यहां का वोट बैंक। जी हाँ, गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,74,000 मतदाता हैं। इसमें कैपियरगंज विधानसभा में 3,90,000, पिपराइज में 4,10,000, गोरखपुर शहर में 4,68,000, ग्रामीण में 4,22,000 और सहजरवा में 3,62,000 वोटर हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की है, बाकी मुस्लिम और यादव वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत मानती है, इसीलिए जीत दर्ज की जा सकती है ये सोचकर लगातार यहां से निषाद बिरादरी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के आगे यहां पर किसी की एक भी नहीं चलती है। फिलहाल अब देखना होगा कि 2024 में काजल निषाद मोदी और योगी की प्रचंड लहर में
योगी के गढ़ गोरखपुर से रवि किशन को हराने में कामयाब रहती हैं या फिर नहीं। क्या काजल निषाद अब की अखिलेश यादव के भरोसे को परिणाम में बदल पाती हैं या फिर नहीं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल योगी के गढ़ गोरखपुर के गणित को समझने और काजल निषाद के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो यहाँ साइकिल दौड़ा पाएंगी या फिर हर हर महादेव का नारा लगाकर एक बार फिर से रवि किशन यहाँ पर भगवा लहराएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।